बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह ज़रूरी है आप उसे लेकर अवेयर बने। आप अपनी फीलिंग को लेकर, अपनी वाइब्रेशन को लेकर अवेयर बने। आप दिन भर जो सोचते हैं उसे लेकर अवेयर बने। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको यह बात पता चलेगी कि आप अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को किन कामों पर लगा रहे हैं। अगर आप पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है आप पैसों को लेकर अच्छी फीलिंग रखें। और अच्छी फीलिंग रखने का यह मतलब नहीं है कि आप यह महसूस करें, यह सोचें आप उस पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यह भी महसूस करना जरूरी है, लेकिन इस बात के साथ ही हम कुछ और चीज़ें भी महसूस करते हैं, अपने दिमाग में कुछ और चीज़ें भी बनाते हैं, जैसे कि पैसा कमाना आसान नहीं है, हर जगह कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। इसी तरह की चीज़ें भी हमारे दिमाग में साथ साथ चलती रहती है। यह सभी नेगेटिव थॉट्स हमारे उस पॉजिटिव थॉट्स को कमज़ोर बना देते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स के साथ हमारी वाइब्रेशन में रुकावट आ जाती है और हमारे विचारों में भी एक नेगेटिविटी भर जाती है। इसलिए जो आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, उस चीज़ को लेकर आपकी वाइब्रेशन रियल होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, हम में से बहुत से लोग किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए एक बदले की भावना भी रखते हैं। मान लीजिए आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है आपके दिमाग में यह चले, जब मैं पैसा मैनिफेस्ट कर लूँगा तो मैं इसको दिखा दूंगा, तो मैं उसको दिखा दूंगा। तो यह एक रियल फीलिंग नहीं है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ अपनी ईगो को जोड़ रहे हैं, अपनी खराब फीलिंग को उसके साथ जोड़ रहे हैं, तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक रियल फीलिंग नहीं है। इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है, आपकी फीलिंग और आपके थॉट्स रियल होने बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं आपसे कहूंगा, जब भी आप अपनी फीलिंग बनाएं, उसे लेकर अपना एक थॉट बनाइए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी फीलिंग उस चीज पर लगाइए। आज हम लोग एक ही दिन में बहुत सारी इच्छाओं को बना लेते हैं, हमें एक साथ सब कुछ चाहिए, इस वजह से हमारी फीलिंग, हमारी वाइब्रेशन उस एक चीज पर फोकस नहीं कर पाती। अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह चीज क्या है, और अभी की अभी अपने आप से यह सवाल करना होगा कि वह सबसे जरूरी चीज क्या है जिसे आप अभी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जब तक आपको इस चीज का जवाब सही तरीके से ना मिल जाए, तब तक कोई भी दूसरी इच्छा अपने सामने नहीं लानी है, जब तक आपकी वह सबसे जरूरी चीज मैनिफेस्ट नहीं हो जाती जिसे आप चाहते हैं। इसलिए अपनी फीलिंग को रियल बनाएं, अपने थॉट्स को रियल बनाएं, अपनी इच्छाओं को सेलेक्ट करिए, मतलब उस एक चीज पर ध्यान लगाइए और अपनी एनर्जी पर ध्यान रखिए। अगर आपकी एनर्जी सही जगह पर लगाना शुरू हो गई तो आपकी जिंदगी, आपकी वाइब्रेशन, आपके एक्शन बदलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया के जितने भी अमीर लोगों को आप देखते हैं, उन्हें सिर्फ यह पता था कि हमें अमीर बनना है, और उन्होंने अपनी सारी एनर्जी उस एक चीज पर लगाई। इन सब चीजों को आपको आज से ही शुरू करना चाहिए। रात को सोने से पहले आप उस एक चीज के बारे में सोचिए, उसे डिसाइड कर ले, और अगले दिन सुबह से उसी तरह की जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए। आपको केवल उस एक चीज पर अपना सारा फोकस और अपने सारे एक्शन लगाने हैं, जिस चीज को आप सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जब मैं अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तब मैंने इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में किया है, और इसलिए मेरे पास आज वह सारी चीज है जो मुझे चाहिए थी। मैंने इन सभी को करके अपने पैसों को बढ़ाया है, अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया है, क्योंकि ऐसा करने से आपके सारे एक्शन, आपकी एनर्जी, वाइब्रेशन उस चीज को मैनिफेस्ट करने में लग जाती है जो आपको चाहिए। इन सारी बातों से आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तेज हो जाएगी। नीचे कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।